अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नजर। नरहट में दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर एक पीड़ित परिवार ने सामूहिक आत्मदाह करने की दी चेतावनी, जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। मामला नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के पाली गांव से जुड़ा है, जहां दबंगों ने एक पीड़ित मंदिर के पुजारी परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक महिला समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। इस बाबत पीड़ित छोटी पाली गांव के पुजारी मनोज गिरी नरहट थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि गांव के आनंदी सिंह के पुत्र पंकज कुमार, त्रिवेणी सिंह के पुत्र सुधीर सिंह, भाड़ो सिंह के पुत्र शिवदानी सिंह, लालदेव सिंह के पुत्र बसंत सिंह, बसंत सिंह के पुत्र कुणाल सिंह, संजय सिंह के पुत्र टुनटुन सिंह, लखन सिंह के पुत्र नरेश सिंह सहित सऊदी सिंह के पुत्र रोमेश सिंह एवं 10 अज्ञात लोगों के द्वारा हमारी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा था। जब विरोध किया गया तो मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंगों द्वारा मंदिर के कुटिया में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया एवं खेत में लगे धान के बिचड़े को ट्रैक्टर से जोत दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार के आवेदन पर नरहट थाना में थाना कांड संख्या 252/24 दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से इस क्षेत्र में पहल करने की मांग की है एवं चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन सहयोग नहीं देगी तो हम सभी पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। अब देखना यह है कि नवादा जिला पुलिस प्रशासन किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है, जिसका लोगों को इंतजार रहेगा।